दोस्तों आज हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में, जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों आज उसके बारे में हम जानेंगे। और आपको एक बढ़िया एक नोट्स के रूप में मैं आपको बताऊंगा, चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट एक्सेप्ट इनपुट और डेटा फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस द डेटा एंड गिव्स द आउटपुट टू द यूजर। दोस्तों कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे जो एक मतलब यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट को लेता है और डेटा को प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। दोस्तों इसको हम फिगर से भी समझ सकते हैं। देखिए इनपुट इनपुट जब हम प्रोसेस करते हैं उसके बाद मुझे आउटपुट मिलता है दोस्तों कंप्यूटर के द्वारा। तो एक सिंपल से लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो यूजर से इनपुट लेती है और डेटा को प्रोसेस करके यूजर को आउटपुट देती है। तो दोस्तों ये एक सिंपल क्वेश्चन हो जाता है व्हाट इज कंप्यूटर का, जो नॉर्मली हर जगह पूछा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कंप्यूटर के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे इसके बाद हमारा टॉपिक आता है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। चाहे दोस्तों फिर उसके बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा किन कौन कौन से फंक्शन के लिए यूज होता है। तो दोस्तों अब देखिए नीचे मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इसमें सबसे पहला क्या है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर का, रिसीव द इनपुट डेटा इंस्ट्रक्शन। मतलब दोस्तों रिसीव द इनपुट यानी इनपुट को रिसीव करता है सबसे पहले कंप्यूटर डेटा या इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में। उसके बाद सेकेंड दोस्तों है स्टोर्स द डेटा इनटू द मेमोरी, मतलब दोस्तों डेटा को स्टोर करता है मेमोरी में। उसके बाद थर्ड है दोस्तों प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, जैसा आप इंस्ट्रक्शन देंगे उसके बाद उसके अकॉर्डिंग डेटा को प्रोसेस करेगा। उसके बाद चौथा क्या है दोस्तों डिस्प्ले द आउटपुट, मतलब आउटपुट को डिस्प्ले करता है मॉनिटर में दोस्तों जो आप देखते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म की। दोस्तों कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल एंड रिसर्च। दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं दोस्तों उसमें बहुत पूछे जाते हैं, और नॉर्मल जो थ्योरेटिकल एग्जाम भी होते हैं कंप्यूटर के दोस्तों उसमें भी हमेशा ये पूछे जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अब चलिए चलिए बात करते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों, कैसे आप पहचानते हैं। देखिए जैसे ये देखिए आपका इसमें फिगर में दिया हुआ है मॉनिटर सीपीयू माउस और कीबोर्ड। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर क्या क्या एडवांटेज है। दोस्तों कंप्यूटर इज अ वेरी रिलायबल मशीन, कंप्यूटर एक बहुत ही मतलब रिलायबल मशीन है दोस्तों। और कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट डिवाइस एंड मशीन, इट प्रोसेस मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मतलब बहुत फास्ट डिवाइस होती है और कई सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ दोस्तों प्रोसेस करती है। अगला है दोस्तों कंप्यूटर्स आर वेरी एक्यूरेट, मतलब 100% एक्यूरेसी और एरर फ्री। मतलब दोस्तों इसमें आप जो भी आप प्रोसेस करते हैं या जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं मतलब इसमें आपका एक्यूरेट रिजल्ट आता है, कोई मतलब एरर नहीं आता है दोस्तों। तो ये इसका सबसे बढ़िया पॉइंट है। अगला पॉइंट आता है कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब दोस्तों कंप्यूटर एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। इट हैज वेरी मच स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें आप कैपेसिटी दोस्तों स्टोरेज की बहुत ज्यादा होती है। कंप्यूटर जो वर्सेटाइल मशीन, दोस्तों कंप्यूटर एक तरह की वर्सेटाइल मशीन होती है। अब देखिए बात करते हैं दोस्तों डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। कंप्यूटर इज डिपेंड ऑन यूजर इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर दोस्तों यूजर के इंस्ट्रक्शन पर ही डिपेंड करता है दोस्तों। मतलब यूजर जैसा दोस्तों इनपुट देगा वैसे ही कंप्यूटर आउटपुट प्रोसेस करेगा। अपने आप कंप्यूटर के मतलब कोई उस तरीके का दिमाग नहीं होता कि अपने आप दोस्तों इनपुट लेके आउटपुट दे। कंप्यूटर हैज नो फीलिंग, कोई फीलिंग नहीं होती है। कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द नॉलेज लाइक ह्यूमन, मतलब कंप्यूटर अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता है दोस्तों जैसे आप आदमी आम आदमी लेता है। अब दोस्तों अगला पार्ट आता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हार्डवेयर क्या होता है दोस्तों, हार्डवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स और डिवाइसेस बाय विच कंप्यूटर इज मेड अप, वी कैन टच एंड फील द हार्डवेयर। मतलब दोस्तों हम लोग हार्डवेयर को फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, और यह कलेक्शन होता है दोस्तों सेवरल कंपोनेंट्स का जिससे कंप्यूटर बना हुआ होता है। इसके एग्जांपल दोस्तों होते हैं सीपीयू माउस कीबोर्ड हार्ड डिस्क, ये सब हार्डवेयर का एग्जांपल होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। अब दोस्तों सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, अब देखिए सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर दोस्तों एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो एक मतलब किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए परफॉर्म किया जाता है। एग्जांपल दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इसका, जैसे इस सॉफ्टवेयर सबसे पहले आप जान लीजिए दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों इसका एग्जांपल आप जैसे एमएस ऑफिस हो गया, ठीक है, जितने भी तरह के सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होते हैं दोस्तों वो सब इसके सॉफ्टवेयर के एग्जांपल होते हैं। आज वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सबसे पहला आता है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है कितना सही हमारा आउटपुट देता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें ये दिया हुआ है, देखिए आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कंप्यूटर जो डिवाइस विच कैन परफॉर्म मेनी कैलकुलेशन। इसका मतलब मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, जैसे कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो आपको कई सारे कैलकुलेशन को परफॉर्म करती है 100% एक्यूरेसी के साथ, मतलब आपका आंसर कभी गलत नहीं होता। अगर आप रॉन्ग इनपुट डेटा नहीं दे रहे हैं तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा, 100% एक्यूरेसी के साथ आएगा, इसका मतलब ये होता है दोस्तों। अगली एक जो आती है स्पीड,
कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग, मतलब जैसे आदमी से ज्यादा कंप्यूटर जो फास्ट वर्क करता है, जैसे आप कई सारे कैलकुलेशन को इंस्ट्रक्शन को वो तुरंत तुरंत सॉल्व कर देता है, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को वो थोड़ी देर में ही सॉल्व कर देता है। दोस्तों तीसरी होती है वर्सटैलिटी, इसका मतलब दोस्तों होता है कि कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, मतलब कई तरह के काम को एक साथ परफॉर्म करता है एफिशिएंसी के साथ, मतलब आप गाने भी सुन सकते हैं, वर्कशीट में डेटा बना सकते हैं, एक्सेल पे वर्क वर्ड में सब आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, तो कई तरह के काम जो है वो कर सकता है। तो वर्सटैलिटी मतलब कई तरह डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क को एक साथ वो परफॉर्म कर सकता है, कई सारे कामों को वो करता है, तो इसका मतलब होता है वर्सटैलिटी। दोस्तों अगला आता है स्टोरेज, स्टोरेज आप जानते हैं दोस्तों मेमोरी जो होती है, मेमोरी में कई सारे डेटा एक साथ स्टोर करता है। तो दोस्तों जैसे प्राइमरी स्टोरेज होता है, सेकेंडरी स्टोरेज होता है, इनबिल्ट मेमोरी भी होती है दोस्तों, और सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी भी होती है। तो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी जैसे आपकी पेन ड्राइव हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, ये सब होता है, और इनबिल्ट मेमोरी होती है जैसे रैम दोस्तों, तो इन सब चीजों में कंप्यूटर जो है वो सेव करता है चीजों को। तो ये सब दोस्तों इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अगली कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी दोस्तों होता है कंप्यूटर इज ए वेरी रिलायबल मशीन, दोस्तों एक रिलायबिलिटी होती है, इस पे आप भरोसा कर सकते हैं कि ये हमें सही आंसर देगा, जैसे आप इनपुट देंगे उसके अलावा सही आंसर हमको वो प्रोवाइड करेगा, इतना आपको उस पर भरोसा रहता है, इसलिए रिलायबल होती है। जैसे गूगल फेसबुक कंपनियां हो गई दोस्तों, सब कंप्यूटर पर ही वर्क करती है, इनका भरोसा रहता है, तो ये रिलायबल मशीन हो जाएगी। दोस्तों अगला आता है मल्टीटास्किंग, मतलब कई सारे काम को एक साथ करना। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल मैं देखता हूँ, जैसे कोई स्टूडेंट होते हैं, गाना भी सुनते हैं वर्ड में दोस्तों, एक आपका डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं, एक्सेल शीट बनाते हैं, साथ में गाना भी सुनते हैं, तो कई सारे परफॉर्म दोस्तों कंप्यूटर एक साथ परफॉर्म करता है, इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। दोस्तों अगला आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है दोस्तों? ऑटोमेटिक, कोई भी चीज अपने आप ऑटोमेटिक होती है। जैसे दोस्तों मैं आपको इसको एग्जांपल समझाता हूँ कि जैसे एक कंप्यूटर एक ऐसी मशीन, जैसे आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी कंप्यूटर को, तो दोस्तों वो अपने आप परफॉर्म, जैसे कोई शेड्यूल कर दीजिए आप, जैसे मान लीजिए अब आप इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप जैसे मान लीजिए 500 पेज आपको प्रिंट करने हैं, तो दोस्तों आपने एक बार प्रिंट कर दिया ऑल पेजेस, तो वो एक साथ प्रिंट कर देता है 500, हर पेज में आपको प्रिंट देने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये ऑटोमेटिक मशीन भी है। सीपीयू को क्या कहते हैं? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोसेसर, सीपीयू को दोस्तों प्रोसेसर भी कहते हैं। अब सीपीयू करता क्या है दोस्तों? सीपीयू इट रिसीव्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड प्रोड्यूसेस द आउटपुट। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से और यूजर से इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है और उसको प्रोड्यूस करता है, आउटपुट को प्रोड्यूस करता है, जैसा आप इनपुट देंगे उसी हिसाब से आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा। तो सीपीयू का मतलब क्या होता है दोस्तों? इनपुट, यूजर से इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना और आउटपुट देना, ये सब काम होता है दोस्तों सीपीयू का। सीपीयू हेल्प्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस टू द कम्युनिकेट विथ ईच अदर। दोस्तों अब बात करेंगे सीपीयू कंपोनेंट्स के बारे में और उसका डायग्राम हम देखेंगे। देख सबसे पहले दोस्तों आप इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू दोस्तों कनेक्ट होता है। सीपीयू के अंदर क्या क्या दोस्तों, क्या क्या कौन सी चीज होती है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट, इतनी चीजें होती है दोस्तों। ये डायग्राम आपको सिंपल डायग्राम होता है, ये डायग्राम आपको हर जगह बनाना होता है दोस्तों। इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं सीपीयू के, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। सबसे पहले एएलयू की बात करते हैं दोस्तों। एएलयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दोस्तों ये जो यूनिट होती है दोस्तों, ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करती है। अरिथमेटिक और लॉजिकल फंक्शन कौन कौन से होते हैं आप दोस्तों, मैंने दे रखा है अरिथमेटिक, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। लॉजिकल फंक्शन होते हैं सिलेक्शन, मर्जिंग और एंड नॉट। दोस्तों ये होता है हमारा एएलयू दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। दोस्तों कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट फंक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये दोस्तों जितने भी कंप्यूटर के पार्ट होते हैं उनके फंक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक। इट मेंटेन एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द प्रोसेसर। फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन के फ्लो को भी दोस्तों प्रोसेसर में जो इन्फॉर्मेशन का हमारा फ्लो होता है उसको भी मेंटेन और रेगुलेट करता है। अगला था दोस्तों मेमोरी और रजिस्टर। इसका काम दोस्तों आप जो समझ इसके नाम से जान सकते हैं कि ये डेटा, प्रोग्राम और जो फाइनल रिजल्ट आपका होता है दोस्तों, उसको स्टोर करने के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। ये इस चीजों को स्टोर करने के लिए ही यूज किया। मेमोरी इज अ डिवाइस वेयर इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड। इन्फॉर्मेशन और डेटा को आप जहां पर स्टोर करते हैं उसको दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी में आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब मेमोरी कितने टाइप की होती है? प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। यह एक ऐसी मेमोरी होती है जो सीपीयू के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है और यह डेटा और इंस्ट्रक्शन ऑफ द सीपीयू, मतलब सीपीयू के डेटा और इंस्ट्रक्शन को अपने आप में स्टोर करती है। सबसे बड़ी बात, ये जो डेटा स्टोर होता है वो हमारा टेम्परेरी होता है, परमानेंट डेटा स्टोर नहीं होता है। तो प्राइमरी मेमोरी भी दो तरीके की होती है। अब बात करते हैं इसके दो टाइप की, रैम और रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। सबसे पहले बात करते हैं रैम की। रैम से दोस्तों डेटा को क्विकली एक्सेस किया जा सकता है, मतलब जल्दी से जल्दी। जैसे मान लीजिए कोई आपने इंस्ट्रक्शन दिया सीपीयू को और सीपीयू को कोई डेटा चाहिए हो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो रैम से तुरंत उठा लेता है डेटा को।
सीपीयू जब कोई आप इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है तो कुछ डेटा उसको अगर रिक्वायर्ड होता है तो वो रैम से डेटा को क्विकली एसेस कर लेता है। इसलिए जो हमारा रैम में हमारा डेटा होता है वो क्विकली एसेस कर सकते हैं, रैम में जो स्टोर डेटा होता है, इसलिए रैम में वो डेटा स्टोर किया जाता है जिसको हमें क्विकली मतलब रिक्वायर होता है एसेस करने के लिए। तो सीपीयू कैन क्विकली एसेस रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम दिस मेमोरी, मतलब इस मेमोरी से सीपीयू बहुत जल्दी उस डेटा को मतलब एसेस कर लेता है। और यहां पर रैम के दोस्तों दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। दोस्तों रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, इसमें इस मेमोरी में हम केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। राइट का मतलब होता है दोस्तों स्टोर करना, मतलब इसमें डेटा को स्टोर नहीं किया जाता, इसे केवल रीड कर सकते हैं। ये होते हैं दोस्तों तीन टाइप की, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। अब दोस्तों बात करते हैं सेकेंड मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी होती है स्टोर डेटा परमानेंटली। अभी तक आप प्राइमरी मेमोरी में दोस्तों डेटा को टेम्परेरी स्टोर कर रहे थे, अब इसमें परमानेंटली स्टोर किया जाता है। अगर परमानेंटली आपको स्टोर करना है तो उसके सेकेंडरी मेमोरी का यूज करना पड़ता है, उसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप हार्ड डिस्क हो गए, पेन ड्राइव, इसमें डेटा जो स्टोर करते हैं आपका परमानेंट स्टोर रहता है दोस्तों। सबसे पहले इनपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे, इनपुट डिवाइस कहते किसको हैं। इनपुट डिवाइस डेट अलाउ टू द यूजर टू सेंड द इंस्ट्रक्शन और इनपुट टू द सीपीयू और कंप्यूटर, और डिवाइसेस डेट अलाउ और यूज टू इंटर द डेटा इनपुट टू द कंप्यूटर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। अब इसको दोस्तों हिंदी में समझते हैं। डिवाइस हैं ऐसी डिवाइस हैं जो यूजर को अलाउ करती हैं इंस्ट्रक्शन या इनपुट को सेंड करने के लिए, कहां पर, कंप्यूटर पे, या फिर ऐसी डिवाइस जिनको हम यूज करते हैं डेटा को इंटर करने के लिए कंप्यूटर में, उसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, सामने कई सारे एग्जाम्पल देखे दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि कैसे ये इनपुट डिवाइस है। अब कीबोर्ड में दोस्तों आप कुछ भी टाइप करते हैं तो इनपुट जाता है सीपीयू के पास, ठीक है दोस्तों, अब वो आपको मॉनिटर में शो करता है। तो ये कीबोर्ड होती है हमारी इनपुट डिवाइस, माउस भी होता है इनपुट डिवाइस, वेबकैम भी, टच स्क्रीन भी, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सब आपकी इनपुट डिवाइस होती है। इससे आप डेटा को इंटर करते हैं और आपको फिर आउटपुट डिवाइस में आउटपुट दिखता है, इसे ये सब इनपुट डिवाइस हैं। तो हम बात कर लेते हैं अब आउटपुट डिवाइस के बारे में। डिवाइसेस डेट अलाउ टू गिव द आउटपुट टू द यूजर और डिवाइसेस डेट इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट विच इज गिवन बाय द सीपीयू। दोस्तों जो आपने इनपुट दिया उसको सीपीयू प्रोसेस करता है और उस जो सीपीयू प्रोसेस करता है उस डेटा को उसके बाद आउटपुट देता है, तो उस आउटपुट को शो करने के लिए हम आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं। तो जो आउटपुट डिवाइसेज होती है उसी में वो जो सीपीयू जो है आपको आउटपुट शो करता है। तो इसका आप एग्जांपल देख लेते हैं, कई सारे हैं, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, ये सब दोस्तों कई सारे आपके आउटपुट डिवाइसेज होते हैं जिसमें आपको आउटपुट शो होता है, तो उसको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो आज इन्हीं दोनों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। हार्डवेयर किसको कहते हैं, सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में जान लेते हैं। हार्डवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स और डिवाइसेज बाय विच कंप्यूटर इज मेड अप। तो हार्डवेयर किसको कहते हैं, हार्डवेयर कई डिवाइसों और कंपोनेंट का कलेक्शन होता है जिससे कंप्यूटर बना हुआ होता है और उसको हम टच और फील कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर के एग्जांपल दोस्तों सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, इन सब चीजों को हम छू सकते हैं, इनसे कंप्यूटर बना होता है, तो हम इनको हार्डवेयर कहते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क।
इसलिए दोस्तों यह कलेक्शन होता है प्रोग्राम का या इंस्ट्रक्शन का, जिससे जो किसी पर्टिकुलर मतलब कार्य के लिए बनाया जाता है। जैसे आपका एंटीवायरस होता है दोस्तों, वायरस को दूर करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये सॉफ्टवेयर होता है, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जा दोस्तों जान लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो डायरेक्टली ऑपरेट ऑन द कंप्यूटर हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो डायरेक्टली कहां पर ऑपरेट करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर पे, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पे रन करता है दोस्तों। मतलब इट प्रोवाइड अ प्लेस टू रन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के एप्लीकेशन को रन करने के लिए एक आपको एक जरिया प्रोवाइड करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है, उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है विंडोज दोस्तों, विंडोज क्या कंप्यूटर के हार्डवेयर पर रन करता है, और जो बाकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं जैसे एमएस ऑफिस हो गया, उसको एक मतलब एक जरिया प्रोवाइड करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है। एमएस ऑफिस को आप विंडोज पे ही तो इंस्टॉल करते हैं, इसीलिए ये सब विंडोज लिनक्स एंड्रॉइड ये सब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर द यूजर टू परफॉर्म वन और मोर टास्क। ये सिंपल सा दोस्तों वही है जो आपका सॉफ्टवेयर की परिभाषा होती है, वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी होती है, जो एक मतलब एप्लीकेशन इज सॉफ्टवेयर दैट डिजाइन फॉर द पर्टिकुलर टास्क, किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम जो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका एग्जाम्पल होता है एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, जो आपके कंप्यूटर जितने भी आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं उनको हम कहते हैं। दोस्तों ये रहा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। ईमेल आईडी जो आप बनाते हैं और जीमेल, इन दोनों में अंतर क्या है और इनका मतलब क्या है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं ईमेल। ईमेल का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है इट इज अ सर्विस विच अलाउ अस टू सेंड इन्फॉर्मेशन और मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ओवर द इंटरनेट। दोस्तों इंटरनेट या वेब पर आपको जो मैसेज भेजने के लिए अलाउ करता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में दोस्तों, तो उसको हम कहते हैं क्या, ये एक तरह की सर्विस होती है, आप ये समझिए एक तरह की ये सर्विस होती है जो हमको अलाउ करती है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन या मैसेज को इंटरनेट पर एक जगह से दूसरी जगह भेजें। तो अगर आप समझ में आया दोस्तों कि नहीं समझ में आया, सबसे पहले ये चीज जान लीजिए कि ये एक सर्विस होती है जो आपको अलाउ करती है कि आप एक इंफॉर्मेशन और मैसेज को एक जगह से एक मतलब इंटरनेट पर एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉनिकली भेजें, ठीक है दोस्तों। इट में कंटेन टेक्स्ट, ये आप टेक्स्ट भी, फाइल भी, इमेजेस, अदर अटैचमेंट, कुछ भी हो सकता है ये जो आप भेज सकते हैं, कोई भी अटैचमेंट, फाइल, डॉक्यूमेंट, इमेजेस, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अगर किसी यूजर के पास उसका ईमेल अकाउंट है तो दोस्तों उसमें एक यूनिक नेम होता है। अगर आप अपना ईमेल अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ईमेल एड्रेस की जरूरत पड़ती है, और ईमेल के जो नॉर्मली फॉर्म होता है दोस्तों, एक जनरल फॉर्म होता है, वो जैसे एक होता है यूजर नेम एट द रेट डोमेन नेम, ये नॉर्मल एक फॉर्मेट होता है ईमेल के लिए। तो दोस्तों जैसे एग्जांपल में आप दिखा देते हैं, जैसे xyz@gmail.com, तो xyz दोस्तों ये क्या है, यूजर नेम, और gmail.com ये आपका डोमेन नेम हो जाता है। तो इसमें जो आप ईमेल आईडी यूज करते हैं उसमें दो चीज आपको जरूर ध्यान देनी है कि इसमें सबसे पहले स्पेस नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो ईमेल एड्रेस है वो कभी केस सेंसिटिव नहीं होता है, मतलब चाहे आप बड़े से लिखिए चाहे छोटे से लिखिए, है ना। तो चाहे आप कैटलॉग करके लिखिए चाहे छोटे से लिखिए, आपका ईमेल आईडी सेम ही रहेगी, कोई इसमें वो नहीं है, दोनों से आपकी ईमेल आईडी ओपन होगी। अब बात करते हैं दोस्तों जीमेल की। तो जीमेल का मतलब होता है गूगल मेल। तो दोस्तों आप सबसे पहले जो हमारी ईमेल सर्विस थी उस ईमेल सर्विस को जो प्रोवाइड करता है दोस्तों गूगल, तो उसको हम कहते हैं जीमेल। तो सीधा सीधा सा है कि आपको ये भी सर्विस प्रोवाइड करता है गूगल, और ये आपको अलाउ करता है ईमेल भेजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट पे, उसको हम कहते हैं जीमेल। यानी जो आपकी ईमेल सर्विस को आपको प्रोवाइड करने के लिए देता है फ्री में, वो कहलाता है हमारा गूगल मेल। तो एक हमारा एक मीडियम है दोस्तों, जो ईमेल आप जिसको सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं गूगल। आपको गूगल आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे आप ईमेल एक जगह दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। ये अंतर होता है ईमेल और जीमेल। बात करेंगे शॉर्टकट कीज के बारे में, जिसका जानना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहले की है दोस्तों Ctrl+A, इसका मतलब होता है दोस्तों सेलेक्ट ऑल। Ctrl+C का मतलब होता है कॉपी करना। दोस्तों Ctrl+A का मतलब होता है सेलेक्ट, कोई चीज हम सेलेक्ट करते हैं पूरा सेलेक्ट करना होता है हमें किसी पेज में, तो उसका हम Ctrl+A जो होता है हमारा शॉर्टकट की होता है। Ctrl+C कॉपी के लिए होता है, Ctrl+V पेस्ट के लिए होता है, Ctrl+U होता है अंडरलाइन करने के लिए किसी सेलेक्ट किसी भी टेक्स्ट को। दोस्तों अगला आता है Ctrl+N। Ctrl+N होता है दोस्तों अगर एमएस ऑफिस आप यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, तो उसमें Ctrl+N कोई नए पेज को सेलेक्ट करने के लिए होता है। अगर आप न्यू पेज चाहते हैं तो Ctrl+N करेंगे दोस्तों, तो आपके पास एक नया वर्ड का पेज आ जाएगा, उसमें आप वर्ड की चीजें आप बना सकते हैं दोस्तों, कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। Ctrl+O होता है किसी फाइल को ओपन करने के लिए होता है। Ctrl+S होता है दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए होता है। Ctrl+X होता है दोस्तों कट करने के लिए, किसी भी आप टेक्स्ट को कट करके कहीं पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो शॉर्टकट की जाती है दोस्तों Ctrl+K, ये होता है दोस्तों किसी भी लिंक को इंसर्ट करने के लिए होता है। उससे पहले दोस्तों एक और चीज हम आपको बताते हैं Ctrl+F, किसी भी अगर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को फाइंड आउट करना है तो Ctrl+F से हम उस टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। Ctrl+P प्रिंट के लिए होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट करते हैं दोस्तों। उसके बाद Ctrl+Y होता है रीडू एनी एक्शन को होता है।
रीडू मतलब दोस्तों अगर आप कोई किसी एक्शन को रीडू करना चाहते हैं उसके लिए होता है, और अगर अंडू करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस जेड होता है दोस्तों। कंट्रोल प्लस टैब होता है स्विच करने के लिए दोस्तों, अगर कोई आप कई सारे ब्राउजर है, कई सारे प्रोग्राम ने आपने कंप्यूटर में खोल रखे हैं तो दोस्तों उसको स्विच करने के लिए एक से दूसरे विंडो में या एक से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस टैब यूज करते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला शॉर्टकट किया जाता है कंट्रोल प्लस टी दोस्तों, एक नए टैब को ब्राउजर में अगर आप कोई नया टैब खोलना चाहते हैं कंट्रोल प्लस टी यूज करते हैं दोस्तों। सबसे पहले किसी और किसी भी अगर वेब पेज को आप बुकमार्क करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस डी करके उस पेज को बुकमार्क आप बना सकते हैं। कंट्रोल प्लस आई होता है इटैलिक के लिए दोस्तों, किसी भी चीज को इटैलिक में अगर टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस आई दबा दिया आपने। कंट्रोल प्लस एल होता है दोस्तों सिलेक्ट एड्रेस बार इन ब्राउजर, ब्राउजर के ऊपर दोस्तों आप एड्रेस होता है वेब एड्रेस उसको सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों होता है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस ई होता है दोस्तों अलाइनमेंट के लिए, अलाइनमेंट टू सेंटर, किसी भी टेक्स्ट को अगर आप सेंटर में अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ई होता है दोस्तों। दोस्तों कंट्रोल प्लस एच होता है किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करके रिप्लेस करने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट में आप किसी टेक्स्ट को फाइंड करके रिप्लेस करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एच करके आप उसको फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल जे होता है दोस्तों आप डाउनलोड आपने किया ब्राउजर में या कुछ भी चीज अगर आप डाउनलोड करते हैं उसको देखने के लिए होता है, और किसी भी अलाइनमेंट जो होता है एमएस वर्ड में दोस्तों उसको जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस जे का हम यूज करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ शॉर्टकट कीज थी, अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए दोस्तों तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि अगला वीडियो मैं उसी टॉपिक बनाऊं। अगर आप चैनल पर नए चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक नमस्कार दोस्तों।